शीर्षक है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में सच्चा सौदा डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद बाबा और हनीप्रीत का हाल बेहाल हो गया है। 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के एक पत्रकार जिनका नाम था रामचंद्र छत्रपति को अपने घर के बाहर गोलियों से छन्नी कर दिया गया। उनका दोष बस इतना था कि उन्होंने सच्चा सौदा डेरा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ साध्वियों के यौन शोषण के बारे में खबर छापी थी। इस खबर को सुनकर बाबा तिलमिला उठे और अपने तीन साथी कृष्णलाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को ये आदेश दिया कि वो रामचंद्र की हत्या कर दे। और इस बात की पुष्टि राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने की, जिसने कोर्ट में भी इस बात की गवाही दी है। इतने सालों बाद शुक्रवार को पंचकुला के विशेष सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए इस मामले में गुरमीत राम रहीम और उनके तीन साथी कुलदीप, कृष्णलाल और निर्मल को दोषी करार दिया। लेकिन अदालत इसकी सजा पर फैसला 17 जनवरी को सुनाएगी। बता दें कि गुरमीत सुनारिया जेल में दो साध्वियों के दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहे हैं, जिसका फैसला भी जज जगदीप सिंह ने ही सुनाया था। बता दें कि सुनारिया जेल में बंद गुरमीत को फैसले के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था और जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, गुरमीत राम रहीम का चेहरा उतर गया, क्योंकि बृहस्पतिवार को उनके वकील गुरदास सिंह भी सुनारिया जेल में उसे फैसला पक्ष में आने का भरोसा देकर आए थे। लेकिन जैसे ही जज ने गुरमीत को दोषी करार दिया, उनके चेहरे के भाव बदल गए और उनका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत को जैसे ही फैसले के बारे में जानकारी मिली, वो बेचैन हो गई। जेल सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने सुबह का नाश्ता भी ढंग से नहीं किया, वो शाम तक बाबा के बारे में ही पूछती रही। शुक्रवार को दिन में करीब 3 बजे जब सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ गई और तीन दोषियों कृष्णलाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को जेल में लाने के कारण हलचल तेज हो गई, तब हनीप्रीत को पता चला कि कोर्ट ने बाबा को दोषी करार दे दिया है। यह सुनते ही उनका चेहरा उतर गया, जिसके बाद उसने किसी से कोई बात नहीं की। खबर अपडेट की रिपोर्ट।